हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स 4. द सब्जेक्ट कोड इज KAS302/KAS402 एंड हियर वी आर इन लेक्चर नंबर 13 ऑफ यूनिट नंबर 1. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव फिनिश्ड अवर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हम लोगों ने PI कैलकुलेशन देखा है फ्रॉम केस 1 टू केस 4, और उससे पहले हमने होमोजीनियस को भी एंड अप किया है. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेक्चर, मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि अगर आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कैसे करते हैं, 3 केसेस हमारे होमोजीनियस के हैं और 4 केस हमारे नॉन होमोजीनियस के हैं. सो इफ यू रिमेंबर ऑल दीज केसेस, तभी आप इस लेक्चर को प्रोसीड करें, क्योंकि इस लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर से ज्यादा हेल्प मिलेगी और इस लेक्चर में जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो तो आप समझेंगे, बट प्रीवियस लेक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट है. सो इफ यू नो दैट और इफ यू रिमेंबर दैट, देन प्रोसीड फॉर दिस लेक्चर, बिकॉज इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट. जी हाँ, अभी तक जो हमने इक्वेशन की बात करी है वो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट इक्वेशन है, बट नाउ द क्वेश्चन सेज द वेरिएबल, इफ द वेरिएबल कोफिशियंट आर गिवन, देन हाउ कैन वी फर्स्ट कन्वर्ट दैट वेरिएबल इक्वेशन टू कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, और तब उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे. वही सेम चीज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू PDE विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स. सो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू PDE विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट मतलब क्या है? अगर अभी तक के हम क्वेश्चंस करें, अभी तक के हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देखें, तो वहां हम लोगों ने देखी इक्वेशन d² - dd′ + 4d′² इन दिस केस. मींस जो हमारा d या d′ का कोफिशियंट है दैट विल बी कॉन्स्टेंट. बट अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे d²z/dx², जिसको हम अभी तक d² बोल रहे थे, उसका कोफिशियंट कॉन्स्टेंट नहीं है. नाउ दिस इज इन फॉर्म ऑफ x. सिमिलरली यहाँ पे xy, सिमिलरली ओवर हियर दिस इज y², दिस इज y, एंड दिस राइट हैंड साइड, दैट राइट हैंड साइड डिपेंड्स ऑन अवर PI केस, तो मैं अभी इसकी बात नहीं करता हूं. बट इक्वेशन को जो रिकॉग्निशन करना है, दैट इज कि ये कॉन्स्टेंट कोफिशियंट इक्वेशन है या नहीं है, ये मुझे क्लियरली पहचान में आ रहा है फ्रॉम दिस फर्स्ट वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज x² × d²z/dx², कि यहां पे कॉन्स्टेंट कोफिशियंट नहीं है. तो अब यहां पे कहता है कि इन इस इक्वेशन को जो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट नहीं रखते, बट हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, और उसके लिए प्रोसेस क्या है? उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आई विल लेट ओवर हियर x = e^X and y = e^Y. सो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, तो कैपिटल एक्स इज बेसिकली इक्वल टू स्मॉल एक्स लॉग एक्स, एंड कैपिटल वाई इज बेसिकली इक्वल टू लॉग ऑफ वाई. सो सिंपली आपको ये स्टेप यहाँ पे याद रखने हैं कि अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, सो वी विल लेट दिस कंडीशन कि x = e^X and y = e^Y. सो कैपिटल x = log x and y = log y. राइट. इसके अलावा जो यहाँ पे टर्म है, दैट इज ∂/∂x, राइट, x into del over del x टर्म जो है यहाँ पे, या del z over del x टर्म है, दिस विल बी रिप्लेस बाय कैपिटल D into z, राइट. यहाँ पे x into del by del x इज रिप्लेस बाय कैपिटल D. जब तक अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने पढ़ा है कि ∂/∂x इज रिप्लेस बाय कैपिटल D, बट नाउ इन दिस केस x into del over del x इज रिप्लेस बाय कैपिटल D, राइट. एंड सिमिलरली y into del y, दैट इज इक्वल टू d'. अब वहीं पे अगर मैं इसका डबल ऑर्डर करूं, यानी कि इफ आई वांट टू कन्वर्ट x² ∂²z/dx², सो दिस विल बी कन्वर्टेड एज d into d-1 into z, यानी कि अगर x² ∂²z/dx² तो वी विल रिप्लेस बाय d into d-1. सिमिलरली अगर आपके पास y² ∂²y/dy² है, तो हम इसे लिखेंगे d'(d'-1)z, राइट. इसी तरह अगर सपोज आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इफ यू हैव x³ ओवर हियर, राइट, x³ ∂³ x z/∂x³, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज d(d-1)d-2)z, राइट. तो एज सो ऑन. तो दिस इज द वे कि आप किस तरह से इस इक्वेशन के फैक्टर को कैपिटल डी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बाय जस्ट लेटिंग x into del x by del x = d, x² to d d-1, y² to d'd-1, और अगर एक टर्म बनती है लाइक दिस xy टर्म, राइट, अगर आपके पास xy into del² z/dx y है, तो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय d into d'.
राइट right? तो अब एज अ फॉर्मूला चाहे याद रखिए, चाहे जैसे भी याद रखिए, बट अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में आती है दैट इज विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो इस केस में आपको x इनटू डेल बाय डेल एक्स को रिप्लेस करेंगे कैपिटल डी से एंड एज ऑन विद दिस फॉर्मूलास, राइट। सो अगर मैं इस इक्वेशन को अब सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा कि लेट कैपिटल x इज इक्वल टू लॉग x एंड कैपिटल y इज इक्वल टू लॉग y, राइट। और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, एक तरह से चेंज करेंगे, तो दिस इज x स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर, तो दिस विल बी रिटन एज d इनटू d माइनस 1, राइट। देन माइनस ऑफ 4, 4 इज अ कांस्टेंट 1, बट xy इनटू दिस पार्ट इज रिटन एज d इनटू d डैश। देन उसके बाद दिस 4 इज अ कांस्टेंट 1, y स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर, दिस इज अगेन d डैश इनटू d डैश माइनस 1। Then plus 6 is a constant, now y into del z over del y, this is simply d dash is equal to, now this is x cube into y 4, तो हमने क्या लेट किया था, x is equal to e to the power capital x, y is equal to e to the power capital y, so as per this what is x cube become e to the power 3 capital x into e to the power 3 4 capital y, right, because y क्या power 4, तो e to the power 4 y हो जाएगा, तो ultimately this right hand side become e to the power 3x plus 4y and this is nothing but one of the case of the previous equations जो हमने solve करी है e to the power ax plus by term। और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड क्या डिसाइड करेगा कि ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, तो अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4dd डैश एंड प्लस दिस बिकम 4d डैश स्क्वायर, राइट। और यहां पे एक टर्म बनेगी माइनस 4d डैश और यहां पे है 6d डैश, तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पे बनेगा प्लस 2d डैश। तो दिस इज माय गिवन इक्वेशन जो कि आपकी किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, जी हां ये इक्वेशन थी वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ, नाउ दिस इक्वेशन इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट पीडी, राइट। और ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, ये है नॉन होमोजीनियस बिकॉज हर एक डेरिवेटिव सेम ऑर्डर पे नहीं है, राइट। सो ये एक छोटा सा स्टेप आपको यहां फर्स्ट स्टेप के तौर पे याद रखना है कि जब भी इक्वेशन इस x की वाली फॉर्म में गिवन है उस इक्वेशन को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय लेटिंग दीज वैल्यूज। और इनके अलावा जो हमने पढ़ा x into del by del x is replaced by capital D, x square है then d into d minus 1, राइट। सो दिस इज माय इक्वेशन कन्वर्टेड। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने अब तक सीखा है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पे d स्क्वायर है 4dd डैश है और 4d स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक साथ लिख लूं तो ये बन जाएगा d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर, राइट। इफ आई टेक दीज थ्री फैक्टर्स, राइट, तो दिस कैन बी रिटन एज d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं आई विल गेट d स्क्वायर, आई विल गेट 4d डैश स्क्वायर, आई विल गेट 4dd डैश। और इसके अलावा जो टर्म है माइनस d एंड प्लस 2d डैश, दिस विल रिमेन सेम एंड राइट हैंड साइड रिमेन सेम 3x प्लस 4y, राइट। अब अगर आप इसे देखें तो d माइनस 2d डैश है, ये भी d माइनस 2d डैश है, यानी मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूं, d माइनस 2d डैश को कॉमन लिया, एक टर्म यहां पे बच गई d माइनस 2d डैश, और इसको अगर d माइनस 2d डैश बनाना तो यहां पे क्या बचेगा माइनस 1, तो एक तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई। और मैंने फैक्टराइज क्यों करी, बिकॉज दिस इज नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में पढ़ चुके हैं वी विल कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स, राइट, जो कि आपके दो फैक्टर आ गए। अब मैं इस इक्वेशन का cf और pi कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। सो फॉर cf कैलकुलेशन, अगर मैं इस इक्वेशन से cf कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं d माइनस md डैश माइनस a, राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। सो अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड से तो यहां पे फर्स्ट फैक्टर कहता है दिस इज e टू द पावर 0 बिकॉज a है नहीं, और उसके बाद f1 देन यहां पे y प्लस क्या लिखते हैं twice of x, बट यहां पे अब चीज ध्यान रखिएगा बिकॉज हम इक्वेशन को कैपिटल x और कैपिटल y में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये जो यहां पे स्मॉल y हमने लिखा है दिस इज नॉट स्मॉल y एंड दिस इज नॉट स्मॉल x, दिस इज बेसिकली व्हाट कैपिटल y एंड कैपिटल x। सिमिलरली जब आप सेकंड फैक्टर लिखेंगे तो प्लस e टू द पावर x बिकॉज a इज 1 एंड देन f2 कैपिटल y प्लस अगेन 2 ऑफ कैपिटल x, तो दिस इज द cf केस। बट ऐसा नहीं है ये आंसर हो गया, इसको मुझे स्मॉल x की टर्म में और स्मॉल y की टर्म में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दिस हम यहां पे लिखेंगे व्हाट इज कैपिटल y, कैपिटल y इज बेसिकली log y, सो यहां पे हो गया आपका log ऑफ y प्लस 2 इनटू व्हाट इज कैपिटल x, दिस इज log ऑफ x प्लस e टू द पावर कैपिटल x, व्हाट इज e टू द पावर कैपिटल x, दिस इज स्मॉल x, तो ये हो गया आपका स्मॉल x f2 और ये y की जगह फिर से log ऑफ y प्लस twice of log of x,
राइट. सो अल्टीमेटली अगर आप देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ए प्लस लॉग बी, दिस इज नथिंग बट वाई इंटू ए इंटू बी. और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. और ये जो टर्म है अल्टीमेटली लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगी लॉग ए इंटू बी, तो दिस इज वाई इंटू एक्स स्क्वायर. सो एफ वन बाहर है, ये टर्म बन जाएगी. सिमिलरली यहां पे इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लूंगा तो x इंटू ये भी आपका हो जाएगा log ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये जो सी एफ हमने यहां पे लिखा है दिस इज अ काइंड ऑफ आंसर. बट यहां पे आपका एफ वन भी एक फंक्शन है और log भी एक फंक्शन है, तो फर्दर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज अनदर फंक्शन. आई विल लेट अनदर फंक्शन जी वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जी टू y x square. तो दिस इज द फाइनली सी एफ पार्ट जो कि आपका g1 और g2 हमने क्या मान लिए, एक अनदर फंक्शन. बिकॉज सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप मानो ये f1 है, f1 मतलब फंक्शन ऑफ समथिंग. तो अगर मैं इस f1 को बोलूं एक्सपोनेंशियल होता तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल आउट हो जाता ना, तो हमारे पास क्या बचता, y x square. तो इसी काइंड से हमने एक तरह से लेट कर लिया कि दिस f1 into log becomes another function and this can be written as g1 y x square plus x into g2 y x square. राइट. सो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस है इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले तो इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करा, अब उस कांस्टेंट कोफिशिएंट को जो हमने समझा है उसके बेस पे हम सीएफ लिख रहे हैं, बट फिर इस सीएफ को वापस स्मॉल एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ बढ़ जाती है. राइट. सो वी हैव कैलकुलेटेड द सीएफ पोर्शन, सीएफ वी गेट. अब इसी तरह से पीआई का पार्ट देखते हैं. तो पीआई अगर मुझे देखना है तो पीआई के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा. दिस इज द कैलकुलेटेड इक्वेशन जो कि डी स्क्वायर माइनस डी माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश इक्वल्स टू, ये हमने जो इक्वेशन बनाई थी. राइट. इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे फॉर द पीआई कैलकुलेशन. सो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, डेट इज डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ फोर डी डी डैश प्लस ऑफ फोर डी डैश स्क्वायर, और यहां पे हमें मिला था प्लस ऑफ टू डी डैश इज इक्वल टू ए टू द पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई. राइट. नाउ पीआई, पीआई का कैलकुलेशन का मेथड वही है. पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन अपॉन द गिवन इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश इंटू ए टू द पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई. नाउ विच केस इज दिस वन, ये आपको याद होगा. राइट. तो ये कौन सा केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई वाला केस है, जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते थे कि d की जगह a एंड डी डैश इज रिप्लेस बाय b एंड व्हाट इज a एंड b, a इज 3 एंड b इज 4. तो बेसिकली इनको उनको आप रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस व्हाट इज d, d इज अगेन 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू डी डैश इज 4 प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4. और यहां पे हम इसे क्या मानते थे, we will let u is equal to 3x plus 4y. So ultimately हो जाता है e की पावर u, और जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, du के रिस्पेक्ट में, कितने टाइम्स, जितना आपका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है ट्वाइस, तो हम इसे दो बार यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते थे e टू द पावर u du and du. नाउ सॉल्व दिस पार्ट, क्या ये जीरो तो नहीं बन रहा, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा. यू विल गेट ओवर हियर 1 अपॉन 30 और e की पावर u को आप कितनी बार इंटीग्रेट कर लीजिए, दिस बिकम e टू द पावर u. सो व्हाट इज आवर फाइनल पी आई, फाइनल पी आई इज e टू द पावर 3x प्लस 4y डिवाइड बाय 30. बट इस कैपिटल x और कैपिटल y को फिर से मैं स्मॉल x की टर्म में कन्वर्ट करूंगा, सो e टू द पावर 3x क्या बन गया, क्योंकि हमने माना था e टू द पावर 3x क्या था, e टू द पावर 3x इज नथिंग बट x क्यूब. तो ये वापस आपका वही सेम पार्ट बन जाएगा, दिस इज x क्यूब इंटू y 4 डिवाइडेड बाय 30. तो दिस इज द pi केस. सो pi कैलकुलेट हो गया, cf कैलकुलेट हो गया. बेस्ड ऑन दिस आई कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज z इज इक्वल टू जी वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जी टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई 30 एक्स क्यूब इंटू वाई 4. सो क्वेश्चन लेंथी जरूर होगा, बट अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो आपको यहां थोड़ा सा इजी लगने वाला है जब हम पहली बार इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं. राइट. एक क्वेश्चन करना बहुत टिपिकल सा लगता है, समझना भी हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत टिपिकल चीज समझ रहे हैं, बट उसी चीज को, सेम चीज जो आपने समझी उसे अभी सेकेंड क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत इजी लगने वाला है. राइट. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. इन द सेम मैनर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, क्या लेट किया था हमने, x इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल x, y इज इक्वल टू ई टू पावर स्मॉल कैपिटल y, देन कैपिटल x इज इक्वल टू लॉग x, कैपिटल y इज इक्वल टू लॉग y, कैपिटल d इज इक्वल टू डेल ओवर डेल कैपिटल x, d डैश डेल ओवर डेल y एंड d d डैश इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल x डेल y कैपिटल डेल x.
यानी, और इसके अलावा मैंने क्या बोला था, x इंटू डेल ओवर डेल एक्स इज रिप्लेस बाय d, x स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय d d माइनस 1. तो वही सेम काम यहाँ पे भी किया, देखिए x स्क्वायर इंटू d स्क्वायर है, दिस इज रिप्लेस बाय d d d माइनस 1. देन एक्स वाई इंटू डी डी डैश, दिस इज रिप्लेस बाय सिंपली डी डैश, एंड वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, दिस इज रिप्लेस बाय डी डैश माइनस 1. सो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में जो कैपिटल डी गिवन होता है, दिस इज बेसिकली डेल ओवर डेल एक्स, राइट. और अब हम इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग द इक्वेशन डेल ओवर डेल कैपिटल एक्स, राइट. तो जो यहाँ पे डी है वो डेल ओवर डेल कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ वाला जो डी है वो डेल ओवर डेल एक्स है. और साथ में इस डी के साथ क्या लगा है, अगर आप इस कैपिटल डी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स लगा, कैपिटल डेल एक्स लगा है, राइट. सो क्वेश्चन में जो गिवन है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको रिप्रेजेंट क्या करना है वो ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर है तो दिस इज डी इंटू डी माइनस 1, वाई स्क्वायर है डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1, एक्स वाई है तो सिंपली डी डी डैश, राइट. बाकी कांस्टेंट एज इट इज है. और राइट हैंड साइड क्योंकि x की पावर m है, तो अगर x की पावर m करूंगा तो e की पावर x mx हो जाएगा, और y की पावर n करूंगा तो ये प्लस एन वाई हो जाएगा. ये वही राइट हैंड साइड आपकी टर्म चेंज हो गई. नाउ फिर से नॉन होमोजीनियस केस जा रहा है, तो आई हैव टू फाइंड द फैक्टर. तो फिर से जल्दी से मल्टीप्लाई देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे सो दिस बिकम व्हाट, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश. अगेन अगर आप डी स्क्वायर टू डी डैश और डी डैश वाले टर्म को एक साथ लेंगे तो दिस बिकम डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म अलग और ये वाली टर्म अलग. तो अगर इन दोनों में फैक्टर करें तो डी प्लस डी डैश आप कॉमन ले लीजिए, डी प्लस डी डैश माइनस 1 बिकम द नेक्स्ट फैक्टर राइट हैंड साइड एज इट इज. एंड दिस इज कैपिटल एम एक्स एम इंटू कैपिटल एक्स इंटू एन इंटू कैपिटल वाई. ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, राइट. सो कहीं पे भी अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो उसे आप खुद से करेक्ट कर लीजिएगा कि सभी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, राइट. तो इक्वेशन आ चुकी है, अब इसके बाद हम सीएफ और पीआई कैलकुलेट करते हैं. तो सीएफ के लिए डायरेक्ट इस फैक्टर को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे. सो व्हाट इज माय सीएफ, इसके अंदर ए नहीं है तो दैट मींस ई टू द पावर जीरो एफ वन वाई माइनस एक्स, और सेकंड वाले फैक्टर के लिए ई टू द पावर कैपिटल एक्स एफ टू वाई माइनस एक्स, राइट. अब इसको सेम फॉर्मेट कि हमने क्या माना था, एफ वन वाई की जगह होता है हमारे पास लॉग ऑफ स्मॉल वाई, एक्स की जगह होता है लॉग ऑफ स्मॉल एक्स प्लस e टू दी पावर कैपिटल एक्स दिस इज स्मॉल ऑफ एक्स एफ टू, और ये फर्दर हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ x. एज पर द लॉग प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ y बाय x प्लस x इंटू एफ टू लॉग ऑफ y बाय x, और जिसे फर्दर एफ वन इंटू लॉग को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी हाँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था लेट अनदर फंक्शन g1 and that is g1 upon y by x plus function g2 x into g2 that is y by x. So this is our required CF part. राइट. सो नाउ सी कि हमने पहला क्वेश्चन समझने में और जो सेकंड क्वेश्चन उसी बेस पे करते हैं कितना इजी लगता है. सेम चीज हमने यहाँ पे करी है, इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में, फैक्टराइज किया बिकॉज इज ए नॉन होमोजीनियस, और उसके बेस पे हमने सीएफ लिख दिया, सीएफ को वापस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द सेकंड पार्ट इज पीआई पार्ट. तो पीआई के लिए कहां से चलूं, पीआई के लिए आप इसी फैक्टर फॉर्म से चल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से चल सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहें, बट वन अपॉन कंप्लीट इक्वेशन जो हमें मल्टीप्लीकेशन के बाद मिली, देन e टू द पावर m कैपिटल x प्लस n इंटू कैपिटल y. तो आप देखो सेम चीज है, फिर से वही केस बन रहा है e टू द पावर ax प्लस by वाला, राइट. जिस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में हम करते हैं d इज रिप्लेस बाय a, d डैश इज रिप्लेस बाय b, एंड वी विल लेट u इज इक्वल टू ax प्लस by, राइट. तो सेम चीज यहाँ पे भी है, दिस इज बेसिकली e टू द पावर u हो जाएगा, जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे कितने रिस्पेक्ट में, टू टाइम्स, बिकॉज इक्वेशन आपकी सेकेंड ऑर्डर की है. बट उसके पहले हमें चेक करना होता है क्या नीचे टर्म जीरो तो नहीं बन रही, अगर जीरो बनेगी देन वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंशिएशन रूल, राइट. आई होप यू हैव रिमेंबर. सो अप्लाई द टर्म डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, बिकॉज ए की वैल्यू आपके पास एम है, उसके बाद डी डी की जगह एम, उसके बाद टू डी डी डैश यानी हो जाएगा प्लस ऑफ ट्वाइस एम एन, और ये है आपका डी डैश स्क्वायर, तो डी डैश स्क्वायर का मतलब दैट इज प्लस एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन, राइट. तो अगर आप इसे फैक्टर फॉर्म में भी रख के करते तो भी यहाँ पे सिंपली पीआई सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज हम लोग फैक्टराइज में देख चुके हैं, हम लोग यहाँ सीएफ में देख चुके हैं ना, दिस फैक्टर बिकम डी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस वन. तो ऑन द सेम वे हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम प्लस एन माइनस वन e टू द पावर यू, जिसे आप टू टाइम इंटीग्रेट भी करेंगे तो भी e की पावर यू ही आएगा, और दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, वन ओवर एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन, और ई टू द पावर यू क्या है, यू की जगह है हमारा एम एक्स प्लस एन वाई, जो कि अल्टीमेटली क्या है, दैट इज नथिंग बट एक्स टू द पावर एम,
और y टू द पावर n. तो अल्टीमेटली ये जो आपका पी आई बन जाएगा 1 ओवर m प्लस n इंटू एम प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाएगा x टू द पावर m और y टू द पावर n. दिस इज द रिक्वायर्ड पी आई. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज आवर फाइनल स्टेप? फाइनल स्टेप को मत भूल जाएगा, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज सी एफ प्लस पी आई. तो इसमें सी एफ और पी आई दोनों ऐड कर दीजिए. दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन एंड द आंसर. सो आई होप विद दिस योर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पीडी विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट. अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है जिसे हमें पहले कॉन्स्टेंट कोफिशियंट में कन्वर्ट करना है, सो नाउ यू कैन एबल टू डू दिस क्वेश्चन. और इसी के साथ अगर मैं बोलूं तो आपका ये जो फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस यूनिट नंबर 1, इज ओवर. राइट, इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं. और ये जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, स्पेशली अगर बात करूं तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को भी बहुत इजीली समझ पाएंगे. राइट, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूनिट नंबर 2. सो दैट इज अगेन अ टिपिकल बट लेस कॉम्प्लेक्स यूनिट, बट अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि इस यूनिट में क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है, लेंथी क्वेश्चन है, बट उसका कॉन्सेप्ट है वो एक या दो ही कॉन्सेप्ट इस पूरे यूनिट पे अप्लाई होता है. सो बट यूनिट पे जाने से पहले मैं आपको रेफर जरूर कहूंगा कि ये जो आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ी है इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी का कुछ पार्ट यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बिकॉज यूनिट 2 सेज एप्लीकेशन ऑफ पीडी. सो यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, सी एफ पी आई कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए. तो इसलिए आप फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से करिए, देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट यूनिट. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.